आज पूरा देश मायूसी और गुस्से से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर विनेश के साथ क्या हुआ, कैसे एक ही दिन में विनेश का वजन 2 किलो से ज्यादा बढ़ गया, जबकि एक रोज पहले तक वो बहुत अच्छा खेल रही थी, फाइनल के लिए गोल्ड की तैयारी थी, पूरा देश खुश था, और फिर अचानक जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि ये सब कैसे हुआ, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, आखिर किससे सवाल पूछा जाए। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि विनेश फोगाट के पास अपने पर्सनल कोच और अपने पर्सनल डाइटिशियन हैं, जिनकी सलाह और मार्गदर्शन में वो ओलंपिक की तैयारी कर रही थी काफी अरसे से, जिनके ऑब्जर्वेशन में वो खा रही थी, पी रही थी, सो रही थी, यानी कि सब कुछ तय मानकों पर ही हो रहा था। फिर वजन इतना बढ़ा कैसे, और जब विनेश का वजन बढ़ा तो जो लोग उनकी निगरानी में लगे हुए थे उन्हें जानकारी क्या नहीं हुई। जब ये जिम्मेदारी डाइटिशियन की है कि वो क्या खाएंगी, क्या नहीं खाएंगी, कितना खाएंगी, कब खाएंगी, तो फिर क्या डाइटिशियन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई, और जिम्मेदारी अगर निभाई तो फिर वजन बढ़ा कैसे। आपको यहां विनेश फोगाट की लगन और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि मंगलवार रात को विनेश का वजन 52 किलोग्राम से ज्यादा था। पूरी रात उन्होंने साइकिलिंग की, स्किपिंग की, जिसकी वजह से अपना वजन कम करने की कोशिश इस बेटी की ओर से लगातार की गई, लेकिन पूरी कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई। 52 किलो से अपना वजन उन्होंने तकरीबन 2.5 किलो के आसपास कम किया, लेकिन फिर भी 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया, जो पूरे 50 किलोग्राम का होना था। पूरी टीम रात भर सोई नहीं और वजन कम करने की कोशिश करती रही। विनेश फोगाट की टीम के डॉक्टर पादरीवाला ने यहां तक कहा, हम उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते थे। संसद में आज खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी विनेश फोगाट मामले पर जवाब देते हुए जानकारी दी कि 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालिफाई किया गया। विनेश फोगाट के चाचा पहलवान महावीर फोगाट ने कहा है कि बेहद दुख हुआ, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उन्होंने बेटी का हौसला बढ़ाया, ये कहा कि वो अब आगे की तैयारी करेंगी। उधर अमेरिकी रेसलर जॉर्डन ने विनेश के लिए सिल्वर मेडल की मांग की है। उन्होंने UWW के नियमों में तुरंत बदलाव की बात कही है। अब बदलाव कब होगा, होगा भी या नहीं, लेकिन खबर यही है कि नियम का हवाला देकर सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा बताकर विनेश को बाहर कर दिया गया। उनका अभी तक का जो भी परफॉर्मेंस रहा है इस ओलंपिक का, उस सबको रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। बहरहाल देश के भीतर विपक्ष के कई नेता और दल इस पूरे मामले पर साजिश की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी खुलेआम बता रही है कि ये पूरी तरह से साजिश है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा है कि बेटी कुश्ती के अखाड़े में तो जीत गई, लेकिन साजिश के अखाड़े में हार गई। तमाम तरह की बातें देश के भीतर कही जा रही हैं। जो भी हो, लेकिन वजन रात भर में बढ़ा कैसे, ये साफ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि विनेश फोगाट भी कोई नई खिलाड़ी नहीं, वो अनुभवी रही। देश को कई बार उन्होंने गर्व करने का मौका दिलाया, इंटरनेशनल लेवल पे कई मुकाबले खेल चुकी हैं, जीत चुकी हैं, फिर उनके इतने अहम मुकाबले में गलती कहां हुई, चूक कहां हुई, देश ये जानना चाहता है। बाकी विनेश हम सब के लिए, इस देश के लिए चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। अपनी बेटी पर इस देश को गर्व है। वाट लगाते का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।